इंडियन आर्मी के अंदर फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT कैसे लिया जाता है, कितना होता है मार्किंग स्कीम, इस एपिसोड के अंदर हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर है, आप भी जाके चेक कर सकते हैं जब भी आप रैली के लिए जा रहे हैं। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर जो पूरा पेपर होता है दोस्तों, ये 100 मार्क्स का कंडक्ट किया जाता है पूरा पेपर। और इसके अंदर जो सबसे पहले जो टेस्ट लिया जाता है वो होता है 1.6 किलोमीटर की रनिंग, सेकंड होता है पुलअप्स, थर्ड होता है दोस्तों बैलेंसिंग, और फोर्थ होता है 9 फीट डिच। ठीक है, ये सारे के मार्क्स होते हैं। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो इसके कितने मार्क्स आपको मिलते हैं, साथ ही साथ आपको टाइमिंग में भी इसको कंप्लीट करना होता है जो भी आपको टाइमिंग दिया होता है। तो इसका जो सबसे पहला मार्किंग स्कीम है और रनिंग का है, ये मैं आपको बताता हूँ जो कि वेबसाइट पे दिया हुआ है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी, आपको 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जो भी लड़के 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर ले रहे हैं 1600 मीटर की रेस, उसको ग्रुप वन की कैटेगरी में रखा जाता है और उनको 60 नंबर यानी कि 60 नंबर दिए जाते हैं। जो भी लड़के 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में कंप्लीट कर रहे हैं उनको ग्रुप टू की कैटेगरी मिलती है और उनको 48 नंबर यानी कि 48 नंबर दिए जाते हैं। और जो भी लड़के 5 मिनट 45 सेकंड से ज़्यादा यानी कि 5 मिनट 46 सेकंड ले रहे हैं 46 सेकंड, वो फेल हो जाते हैं, उनको कोई भी टाइप के मार्क्स नहीं दिए जाते हैं और उनका एप्लीकेशन वहीं से कैंसिल हो जाता है। इसके अंदर और भी थोड़े आपको टाइमिंग एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि हिली एरिया में अगर आपको दौड़ा रहे हैं तो इसके अंदर जो प्रोविजन होता है दोस्तों, ये अगर आप 5000 फीट से लेकर 9000 फीट की ऊंचाई पर दौड़ रहे हैं तो आपके टाइमिंग में 30 सेकंड ऐड किए जाएंगे, यानी कि जो आपका जो पहले का टाइमिंग था 5 मिनट 30 सेकंड, अब वो हो जाता है 6 मिनट का आपको समय मिलता है ग्रुप वन के लिए, और ग्रुप टू के लिए आपको 15 सेकंड एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 6 मिनट 15 सेकंड तक आपको ग्रुप टू में रखा जाएगा। तो ये हैं कुछ प्रोविजंस हिली एरियाज को लेके। सेकंड है दोस्तों पुलअप्स, आपको 10 या 10 से ज़्यादा पुलअप्स लगा रहे हैं तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे, आप 10 ही पुलअप्स आपको रोक देते हैं, 10 ही पुलअप्स में आपको रोक देते हैं और आपको 40 नंबर दिए जाते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स लगा रहे हैं तो 33 नंबर यानी कि 33 नंबर, 8 पुलअप्स लगा रहे हैं तो 27 नंबर यानी कि 27 नंबर दिए जाएंगे, 7 पुलअप्स लगा रहे हैं तो 21 नंबर, और 6 पुलअप्स लगा रहे हैं तो आपको 16 नंबर दिए जाएंगे। ये हैं पुलअप्स को लेके। और जहाँ तक बात करते हैं बैलेंसिंग को लेके, तो बैलेंसिंग के आपको सिर्फ क्वालिफाई करने होंगे, इसके लिए आपको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। सेम एज 9 फीट डिच यानी कि आपको लॉन्ग जंप कराया जाएगा, इसके लिए भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन तो भी फेल हो जाएगा, भले ही आपने पुलअप्स और रनिंग भी कंप्लीट की हो। आपको बैलेंसिंग और 9 फीट यानी कि लॉन्ग जंप आपको क्लियर करना होगा, इसमें लॉन्ग जंप भी होता है और स्पॉट जंपिंग भी होती है, तो ये आपको कंपलसरी है क्लियर करना। जहाँ तक बात करते हैं अगर आप 30 साल के अंदर हैं, आपकी एज 30 साल के अंदर है, तो भी आपको रनिंग कंप्लीट करनी होगी, रिक्वायर्ड टू आपको क्वालिफाई करना होगा। और अगर आप 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो भी आपको रनिंग क्वालिफाई करना होगा। प्रोविजन आपको मिलता है रनिंग के अंदर, अगर आप हिली एरियाज में माउंटेन के एरिया में अगर आपकी फिजिकल ट्रेनिंग यानी कि PFT हो रहा है तो आपको थोड़ा प्रोविजन मिलता है। इसके अंदर जो प्रोविजन मिलता है दोस्तों, 5000 फीट से लेकर 9000 फीट की ऊंचाई पर अगर आपको दौड़ाया जा रहा है तो आपको 30 सेकंड आपके टाइमिंग में ऐड किए जाएंगे, और अगर आपको 9000 फीट से 12000 की फीट के ऊंचाई पर दौड़ाया जा रहा है तो आपको 2 मिनट का यानी कि 120 सेकंड का आपको प्रोविजन आपके टाइमिंग में जुड़ेगा। तो ये है कुछ बातें PFT को लेके। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जा पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।